अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आड़ू का दरख्त अब यहाँ पर आ चुका है, इसे यार हमने निकाल दिए क्योंकि इस आड़ू की दरख्त की वजह से ना सारा अंगूर देखे कितना ज्यादा लगा हुआ है, खराब हो रहा था और इसके साथ आड़ू भी नहीं लग रहे थे क्योंकि ऊपर छांव थी, इसे धूप नहीं मिल रही थी और इसकी वजह से नीचे सब्जियों को धूप नहीं मिल रही थी। तो अब यहाँ पर अच्छे से सब्जियाँ भी लगेंगी और साथ में अंगूर भी ज़्यादा से लगेंगे। यार यहाँ पर ना दो किस्म के अंगूर लगे हुए हैं, एक ये काला वाला और दूसरा ये पता नहीं अब कौन सा, ये जब पकेगा तब पता चलेगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों नस्लें अलग हैं ना, एक अभी पक चुका है, जब ये ख़त्म होगा तो फिर ये दूसरा वाला पकना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अंगूर के सीज़न में तकरीबन एक दो महीने तो हमारे यहाँ अंगूर रहेगा। तो जैन भी वापस गाँव से आ चुका है, बहुत ही मीठे अंगूर है। अच्छा मुझे दो ये कैंची और आज तोड़ते हैं। सबको सलाम हो गया मेरा, तो ये बात पहले बोलनी थी ना, भूल गया ना, अंगूर बोल। चलो आ जाओ, तो दोस्तों बस जल्दी से ना हम तोड़ते हैं यहाँ से मीठा मीठा अंगूर। भाई ऊपर देखो तो बूढ़ी है, आपको काट लेंगी। मैं पहले इसे बगा के काटूंगा इसको। देख कितने बहुत ज्यादा यार, ये हर जगह पर है अंगूर, पक चुके हैं, इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। मैं इन्हें सेट करता हूँ अभी, अब हमारी बारी है, इनकी बारी खत्म। जल्दी जल्दी उतार लो, किधर एक किधर चिपक गया यार। कौन सा वाला खा रही थी पता नहीं, ये देखो इसको खा रही थी। और निकालते हैं, जहाँ जाए सबको मारते हैं भगाते हैं यहाँ से। ये लो भाई अभी इतना काफी है। तो दोस्तों अंगूर तो हमने तोड़ लिया, अब इसे अच्छे से धोकर खाते हैं। तो दोस्तों हमारी ये नई वाली कून जो कल भाई ने भिजवाई थी ये भी मेल निकल आया, ये सारा दिन उस कॉर्नर में छुपा पड़ा रहा है, अभी हम इसे इस तरफ लाए हैं, लेकिन देखे फिर से हमारी तरफ आ रहा है क्योंकि ये भी मेल है। यार ये तो कंफर्म पेयर है, अब भाई ये भी मेल उठा के ले आया है, अब मुझे इसे उस तरफ छोड़ना पड़ेगा। जैन करी उनकी दोस्ती हो सकती है लेकिन इनकी ये जो पेयर है इनकी नहीं हो सकती। हाँ इसको पकड़ो ना, इसको पकड़ के हम उस तरफ छोड़ देते हैं, कम से कम यहाँ पर जो कल से अजियत काट रहे बेचारा। नहीं कुछ नहीं कहता, आगे जो कुछ नहीं कहता यार, इतना भी नहीं डरते, जो जरा इसके करीब जाओ। ये देखो अभी नहीं छोड़ेंगे क्या हुआ है, जो पकड़ो उसे। इसको देखो वो भी मेल है, वो अपनी फीमेल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ओए निकल गया, चलो भाई यार कम से कम अब इधर थोड़ा सा घूमे फिरेगा, एक खुली जगह है, बेचारा एक कॉर्नर में डरा हुआ है, वहां से हिल ही नहीं रहा था सुबह से। आराम से ये कहीं उड़ ना जाए, मैं तो ना यहीं से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये पेड़ है, ओ यार उड़ तो उधर चला गया, पकड़ लिया, पकड़ गया, पकड़ लिया। यार इनको कोई समझ ही नहीं आ रही है जाते कहाँ से आए बाहर, मुझे लगता है जब दाना पानी के लिए आते हैं ना हम दरवाजा खोलते हैं तो उसे जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। क्या पता ये बच्चा है, ये देखो या फिर किसी और का उड़ के आया होगा। नहीं नहीं इधर से निकला, जिसके अभी यार छोड़ देते हैं ना। हाँ। ये देखो यहाँ पर ये खुश रहते हैं, ओ अभी अपनी फैमिली के पास चला गया। दोस्तों बज्जी जितने ज्यादा हैं उस हिसाब से हमने मटकियां और बॉक्स भी लगाए थे, लेकिन ये इतने जिद्दी होते हैं, बस किसी एक मटकी पे एक की नजर पड़ गई तो सब ने वहीं पर अंडे बच्चे देने हैं, वहीं पर घर बनाना है। अभी ये देखें कितने ज्यादा बैठे हुए सिर्फ एक मटकी के लिए। हाँ जी तुम्हारे कोई बच्चे वगैरह आए हैं? नहीं भाई, वही जो तीन जो अंडे थे ना उसके ऊपर फीमेल अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रही है, बैठी हुई है, अब पता नहीं बच्चे कब तक आएंगे। यहाँ पर भी मैंने एक फीमेल देखी है और एक फीमेल मैंने उस कार्नर में भी बैठी हुई देखी है, बाकी लव बर्ड ने अपने अपने बॉक्स पे कब्जा कर लिया है और इनको डिस्टर्ब नहीं करते, इंशाल्लाह इनके बच्चे यहाँ पर जल्द आएंगे। हमारी बकरियों का और कोई काम नहीं है भाई, सारा दिन ये खाती रहती है और सारा दिन ये लड़ाई करती रहती है। अभी देखिएगा मेमे जो है ना यार, ये सबको टकरे मारती है हर वक्त, बस इसका दिल करता है कि ये सारी खुरली जो है ना जितना भी चारा है ना ये खुद अकेले में खाए। ओए होए माशाल्लाह, कुर्बानी का बकरा भी ले लिया है और हम एक है, हमें पता ही नहीं है अभी लेना क्या है। वैसे बैल का इरादा भी है, बकरे का भी है, कुछ पता नहीं है। बकरा तो हमारा है मामू के घर है लेकिन उसका प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। यार तुम्हें क्या मसला है, जितने भी कपड़े हमें पहन के आता हूँ सारे ये खराब कर देता है। आज के बाद हम इसको इधर ही बांध देंगे, मैं भाई नहीं रखने वाला, मैं इससे तंग हूँ इतना ज्यादा। यार ये नहीं कपड़े, जितने भी भाई मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ ना सारे इसने खराब कर दिए हैं, ये पता ही नहीं चलता कहाँ से आते और सारे खराब कर देते हैं, सुराख हो जाते हैं कपड़ों में। शरीफ है ये, चलो फिर इसे अंदर लेके आओ जरा, मैं अभी देख लेता हूँ शरीफ है। अगर ये शरीफ नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं रहेगा और शरीफ होगा तो यहाँ पर रहेगा। मेमे नया वाला बकरा है, जल्दी से उसको टक्कर मारनी है। आ गया आ गया आ गया भाई, पहले इसे कुछ खिला लेते हैं, मेहमान है ना, मेहमानों के साथ इतनी ज्यादा भी नहीं करते, पहले कुछ खिलाएंगे उसके बाद टक्करें इसे पड़ेंगी। चलो खाओ, नहीं खा रहा भाई नहीं खा रहा, इसे कोई बादाम पिस्ते वगैरह खिलाओ, ये कुर्बानी का बकरा है ना, ये हमारे घर का चारा नहीं खाएगा। अभी इसकी शराफत का टेस्ट लिया जा रहा है, सबसे पहले इसके दांत देखे जाएंगे, ये कुर्बानी के काबिल है क्योंकि ये मुझे बहुत छोटा सा लग रहा है। इसको पकड़ो, पकड़ो। चलो इसके दांत पहले देख लें, हाँ दांत इसके पूरे हैं, लेकिन इसके दांतों में एक मसला है यार, इतने पीले पीले दांत हैं
एक टूथब्रश लेके आओ और साथ में टूथपेस्ट लेके आएगा और ना इसको ना हम ब्रश करवाएंगे। सबसे पहले इसके दांत साफ होंगे, उसके बाद इसे नहलाया जाएगा और फिर उसके बाद इसको अच्छी अच्छी रस्सियाँ डाली जाएंगी, तब ये हमारे घर में रहने के काबिल होगा, ना ऐसे हम नहीं रखते। अभी फ़िलहाल तो मैं ना इसे यहाँ पर ये मस्ती वगैरह तो नहीं करता अभी तक, तो नहीं कर रहा यार, कर नहीं रहा वो, देखो मस्ती इसने शुरू कर दी है ना, हम इधर बांधेंगे, रहेगा हमारे घर में लेकिन हमारे असूलों के मुताबिक जैसे हम चाहेंगे। ठीक है भाई, ये अब हमारे घर कुर्बानी का पहला जानवर आ चुका है यार, अब हम भी लेते हैं। हम सायों ने लेना शुरू कर दिए, अभी तक हमें पता ही नहीं है अब क्या करना है इसका। इसको वजन चेक करो, ये है 10 से 15 किलो का। ठीक है अब मैं जाऊँ, इधर मैं यार रुको ना यार, ये तो बात गलत है ना, इसका वजन देख लो अपने कुर्बानी के बकरे के ना, या कुर्बानी का जो जानवर होता है ना उसके ज्यादा लाड नखरे उठाने पड़ते हैं। जब अभी आप बैल लाएंगे आप भी अपने सर पे बिठाएंगे, मैं उसके साथ ऐसे बैठ जाऊंगा। ये देखो कितना वजन है बताओ जरा, 15 10 15 है, फिर इसे उठा कर रखो यार, उठा कर रखो, मैं सिट स्टैंड करो यार, सिट स्टैंड गिर जाऊंगा यार, मैं पकड़ लेता हूं इसे, एक दफा, एक दो, भाई ना यार, पांच पांच दो यार, कसम से दो, 10 किलो वजन ये नहीं उठा, तीन चार फटाके निकल रहे हैं, ये पांच, ओए ओए ये देखो कितना शरीफ जाके इसे ये मजे ले रहा है। हां भाई मजा आ रहा है, पांच और पांच और नहीं, पांच और मां नहीं कहता, पांच और आप रहने दे, राउंड लगाओ इसका राउंड, बस उतार लेते हैं, अभी उतार लेते हैं, ज्यादा नहीं ना, शराफत का फायदा उठाना चाहिए यार, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुबारक हो यार, खैर मुबारक, मुझे भी इस तरह का एक ले दो, कितना शरीफ है देखो, उठाया है, मस्ती भी नहीं कर रहा। तो इस तरफ दोस्तों हमारे ट्रैक के लिए ईंटें आना भी शुरू हो जाएंगे, हाँ सब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता फेंके, टूट रही हैं हमारी ईंटें और टूटी हुई फिर हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, वो फिर जाया हो जाएंगी क्योंकि हमने सीधी सीधी लगानी है। हाँ थोड़ा सा वहां से ना ऐसे आराम से आए और यहाँ पर फेंके, पूरा सामान है ये, क्या मतलब ये सामान है, हाँ पूरा लगाने वाला, नहीं नहीं अभी तो सिर्फ ये है ना, बाकी सामान तो आएगा ना। अच्छा? सबसे मेन चीज मिस्त्री है, वो अभी नहीं आया। अच्छा, हमारे मिस्त्री भाई जो है ना वो आएंगे तो उसके बाद ही सारा काम होगा, लेकिन ये जो है ना ईंटे लगाने वाला काम ये हमारे अब्बास भाई करेंगे, जो कि कल से वो कह रहे हैं कि शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों नए वाले शरीफ बकरे को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन अभी ये इसकी शराफत आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, अभी अभी आया ना तो इसे शरीफ हो रहा था, देखें कैसे देख रहे हैं, इसने ना अभी हमला भी किया है, किस वाले पे, ये इस वाले पे, ये देखिए कैसे डर से बैठा हुआ है, इसको एक टक्कर भी इसने मारी है। तो अभी मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पर जितने भी मोहल्ले में बकरे आएंगे ना वो सारे मैं यहाँ पर ला के छोड़ दूंगा। मोहल्ले वाले क्या इधर बाहर बेचने वाले हैं, उनको कहते हैं कि रात को इधर बांध जाया कर, सारे बकरे जी कितने होंगे, बहुत सारे यार, 30-40 वाले, तो 30-40 के लिए तो जगह ही नहीं है ना यहाँ पर, सिर्फ मोहल्ले के जो करीब तरीन के लोग हैं ना, मतलब 5-10 लोग होंगे, उनके घरों में जगह नहीं होगी, तो उनसे हम बकरे बैल जो भी वो लाएंगे ना, और वो लाते भी आखिरी दिनों में है, बिल्कुल हाँ ना, ईद से दो तीन दिन, हाँ एक दो दिन पहले, तो हम एक दो दिन पहले वो सारे लाएंगे यहाँ पर, बांध दिया करेंगे, उनको खिलाएं पिलाएंगे, कुर्बानी का जानवर है, स्वाब मिलेगा ना, जितनी खिदमत करेंगे उतना स्वाब मिलेगा। ये खा जो खराब नहीं किया इसने यार, खराब तो अभी तक क्या है, मेरे कपड़े सारे तुम खराब कर देते हो और इसका अभी तक एक कपड़ा भी खराब नहीं किया। अंगूर खत्म, किधर है अंगूर, नजर आ रहा है किधर गए अंगूर, किधर है ये भी थोड़े से, ये उतारो जरा मुझे दो, सारे अंगूर किधर गए हैं, ये भी खा गए हैं, हम भी खा गए हैं, ये लो ये है ना मीठे यार हैं। ये बहुत कच्चे हैं यार, मीठे हैं, तुम खा के तो देखो एक दफा यार, इतने खट्टे हैं यार भाई, खत्म हो गए हैं ना, नेक्स्ट टाइम अगले साल बहुत ज्यादा होंगे, अगले साल ये भी नहीं होंगे, फिर हम इजीली यहाँ पर जहाँ मर्जी जाएंगे खा लेंगे। क्या क्यों रखा हुआ यार, ये हमला करते हैं, मारते हैं आगे से, हमला करते हैं, इसलिए तो इनको खत्म कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से जा रही हैं, ये खुली जगह पर जा रही हैं जहाँ पर इन जैसे और कितने ज्यादा होंगे। और फिर इस केस में बहुत प्यारी चीज आने वाली है, जो मतलब हमला हो सकता है करे या ना करे उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता है, क्या वो बाद में बताऊंगा, वो जब हाँ वो सरप्राइज है भाई, जब आएंगे फिर आप खुश हो जाएंगे। क्या है ओए, इनको नहीं, पागल हो गए, निकलो बहन, नहीं 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 इनको नहीं करना छेड़ना भाई, ये पिछले साल भी इधर इन्होंने घर बनाया था और इस दफा भी यहाँ पर आ गई है, ये देखें ये कितनी ज्यादा है, ओए 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 पूरा इन्होंने खानदान बसाया हुआ है, अभी ऐसी हरकत नहीं करना, अच्छा काटेंगी तो मुंह तुम्हारा नजर भी नहीं आएगा, इतना ज्यादा सूज जाएगा, हाँ तुम्हारा दिल है, मैं कहूँ भाई वो पहले देख रहे हैं, मैं इनको ऐसे नहीं भगाते, अगर ये हमें तंग करेंगी ना फिर हम इनको भगाएंगे, फिलहाल तो भाई वो हमें कुछ नहीं कह रही, और आज हमने देखा, तुमने कहाँ से देख लिया, मैंने कोने में देखा था, दमोड़ी थी मैंने आपको, हाँ तुमने आते ही शैतानियाँ शुरू कर दी है, साथ खुद अपना मुंह भी सूजेगा, मेरा भी ऐसे सूज जाएगा। मुझे लगता है अभी तक किसी के भी बच्चे नहीं आए होंगे, अभी तुम्हारे बच्चे आए हैं, हाँ सिर्फ ऐसा गुस्सा ही करते रहते हैं, एक एक अंडा देकर बड़ा मेरे पे एहसान कर दिया, बच्चे भी हैं तब पता चले तुम्हारे अंडों का क्या बना है, इसके दोनों अंडे यहीं पर हैं, ये इसके बच्चे आ सकते हैं,
हैं, इसके भी यहाँ पर अभी एक अंडा है यार। ओ माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, दो बच्चे आ गए। अच्छा गुस्सा नहीं करो यार, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर दो बच्चे आ गए हैं, वो भी गर्मियों के। अब टेंशन वही वाली, मच्छर काटेंगे पर फिर ये बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। आ जाओ इधर बैठो, इधर भी नहीं बैठो बल्कि तुम जाओ। अब मेरे पास नहीं आना, मेरे पास यार क्या मसला है, मुझे काम करने दो। हाँ इधर बैठो। तो अभी भाई हम क्या करना है कि इस आड़ू के पूरे दरख्त को फार्म हाउस में लेके जाना है और वहाँ पर फिर ये पत्ते हमारी बकरियाँ रैबिट्स वगैरह हिरन वगैरह सब खा लेंगे और फिर लकड़ी बचेगी उसके हम फेंक देंगे। मैं ये उठा लेता हूँ और जैन ने दूसरे दो उठा लिए हैं, बड़ा वाला ना हम बाद में उठा के ले जाएंगे। कहाँ से जा रहे हो? इस रास्ते से, ये जो दूसरा वाला रास्ता है। चलो आ जाओ। तो भाई अभी हम ना इस गेट से जाने वाले हैं, जैन कह रहे हैं उस तरफ ना फिर ये सारे पत्ते गिरेंगे तो ऐसे और फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? इधर इधर इधर।